हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू द अल्फा अल्फाईज अकेडमी रफ्तार डेली करंट अफेयर सीरीज आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड विल बिगिन फॉर द डे क्विकली द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको हम हिंदी में सहकारी समिति भी कहते हैं तो एक हाउस पैनल बनाया गया था गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप क्योंकि ये एक बेसिक फीचर को भी दर्शाता है इट शोज द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द हाउस पैनल हैज सजेस्टेड दैट इट शुड बी कैप्ट इंटैक्ट ना कॉपरेटिव सोसाइटीज जो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में वो इट वाज़ एडेड बाय नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हेन नाइन्टी सेवन अमेनमेंट एक्ट है न्यू पार्ट दैट इज पार्ट नाइन बी वॉज एडेड आफ्टर पार्ट नाइन ए पार्ट नाइन ए में क्या है पार्ट नाइन ए में म्यूनसिपल म्यूनसिपल्स हैं पार्ट नाइन में पंचायत हैं ऐसे तो है। पार्ट नाइन बी में कॉपरेटिव सोसाइटी है ठीक है और कॉपरेटिव सोसाइटी क्या है पर कॉपरेटिव सोसाइटी इज अ आ... स्टेट सब्जेक्ट ठीक है लिस्ट टू में आता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट ठीक है सेवन शेड्यूल में जो थ्री लिस्ट है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री में लिस्ट टू में स्टेट सब्जेक्ट में आता है कॉपरेटिव सोसाइटी तो जब नाइन्टी अमेंडमेंट एक्ट हो गया और उससे एक एड पार्ट एड किया गया पार्ट नाइन बी कुछ आर्टिकल चेंज किए गए उसमें से एक आर्टिकल जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का भी है दैट इज़ आर्टिकल 19 क्लॉज वन एंड सब क्लॉज सी द वर्ड कॉपरेटिव वॉज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन जब आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा आता है यूनियन एसोसिएशन एंड कॉपरेटिव राइट टू फॉर्म है ना ये आपका एक फंडामेंटल राइट right है अंडर पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फैक्ट अब वो क्या कहता है कि एवरी बडी एवरी वन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ फिर फोर्टी थ्री बी एक आर्टिकल जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज अंडर द पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी ठीक है अब प्रमोशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी इज अ गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी इसको बहुत वाउज करते थे इसके लिए ठीक है इट इज अ गांधीयन प्रिंसिपल फिर अभी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी हो गई कि कॉपरेटिव सोसाइटी का जुरिस्डिक्शन जो है मैनेज करने का वो किसके पास है सेंटर के पास है स्टेट के पास है या दोनों के पास है तो इन अ केस दैट इज़ यूनियन वर्स राजेंद्र शाह सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द कॉपरेटिव आर स्ट्रिक्टली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट बट द मल्टी लेटर मल्टी स्टेट काऑपरेटिव जो कि अलग अलग स्टेट में कॉपरेटिव हैं उसमें जो है पार्लियामेंट हैव टू तो लेजिस्लेट उसका जो पावर है जुरिस्डिक्शन है वो पार्लियामेंट के पास है बाकी जो स्टेट स्पेसिफिक है उसका एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास है देन ट्यूबर क्लोसिस डे वॉज ऑब्जर्व तो डब्ल्यू एच ओ एक ग्लोबल टी वी रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अनुसार इंडिया में अभी भी अट्ठारह लाख ,00 ,00 टी वी केसेज हैं ठीक है ये कम हुए हैं दो हज़ार उन्नीस के अकॉर्डिंग टू थाउजेंड नाइनटीन एट वॉज ट्वेंटी फोर लैख ना टी बी इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम नाम है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेस ठीक है स्प्रेड्स थ्रू इनहेलिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ़ और स्नीज ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन मान लिया मुझे टी है और मैंने छींका या कफ हुआ तो उसमें से जो ड्रॉपलेट जैसे कोविड में हो रहा था उसके ड्रॉपलेट से एक जो दूसरा पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो सकता है ये मेनली तो लंग्स को इफेक्ट करता है लेकिन ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट को इफेक्ट करते जाता है बाद में ठीक है सीरियस कंडीशन है इट कैन बी क्योर्ड इफ ट्रीटेड विद राइट एंटीबायोटिक्स इसलिए एक टी वी प्रोग्राम भी चलाया जाता है नेशनल लेवल पे नाइन अकॉर्विंग टू दी शॉर्ट न्यूज देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कुछ नहीं है इट इज़ अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ने इसको पूरी तरीके से अपनी एक सब्सिडी के रूप में सेटअप किया है कहाँ सेटअप किया है बेंगलोरू में सेटअप किया है क्यों सेटअप किया है टू एक्सलरेट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन के लिए कि क्या हम नहीं कर सकते हैं कैसे लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं क्या हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं कैसे फ्रॉड्स को कम कर सकते हैं इन सब के लिए जो इनोवेशन की ज़रूरत होती है देखो एक नए आइडिया की जरूरत होती है उसके लिए इसको सेटअप किया गया है देन देर इज समथिंग एज पोलर साइंस एंड क्रासफेयर रिसर्च स्कीम ये कुछ नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर है इसमें क्रासफेयर वो एरियाज़ होते हैं जहाँ बहुत लो टेम्परेचर होता है तो वो कौन कौन से एरियाज़ हो जाएंगे ऑफकॉर्स ये बार आर्टिक हो जाएगा इंडियन आर्टिक मतलब अब जो प्रोग्राम्स हैं वेरियस जगह पे जैसे आर्टिक प्रोग्राम है या इंडियन आर्टिक प्रोग्राम है या सर्दर्न ओशन प्रोग्राम है क्लासफेयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम है जो जो मतलब बहुत ठंडी जगह हैं जहाँ बारह मासी जो है बर्फ़ जमी हुई रहती है उन जगहों को स्टडी करना उनके बारे में सो, सोचना या उनके लिए उनको देखना ताकि क्या है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ से भी स्टडी किया जा सकता है तो दस उसके लिए एक पोलर साइंस एंड क्लासफेयरिक रिसर्च स्कीम बनाई गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड इज काजी काजी नींबू एक जैसे कागजी नींबू होता है ना कागजी अगर आप नर्दन इंडिया हाई नर्दर्न इंडिया से हैं तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड इज कागजी नींबू इन नर्दर्न इंडिया ऑन डेट ये कागजी नींबू से हल्का जो नॉर्मल नींबू होता है कागजी नींबू से हल्का उतना ही होता है तो असाम में उसको काजी नींबू बोलते हैं ठीक है ठीके? वो एक अलग टाइप का ही ये एक अलग टाइप का लेमन ही है एक अलग टाइप का नींबू ही है ठीक है इट इज़ इज़कोर्स ये बहुत है खट्टा है सिट्रस फ्रूट है इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज फॉर ड्रिंक्स एंड उसकी मेडिसिनल वैल्यू तो आपको हाई है ऑफकॉर्स ही बात है नॉर्मल लेमन से बड़ा है, होता है जो कागजी नींबू होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं अगर आप किसी ने देखा होगा ठीक है इट प्रोड्यूस ऑल राउंड द ईयर इट इज कल्टीवेटेड इन लूमी फर्टिलाइज सॉइल नॉक प्लेस इन न्यूज वॉज सोलोमन एनडल देखो सोलोमन एइनल का कारण देख लेना आप ऑस्ट्रेलिया देखो मैप में उसके अगर आप ऊपर राइट में देखोगे तो सोलोमन आइलैंड आपको यहाँ दिखेगा और ये पापा न्यू गिना के बहुत पास है आर्कि प्लेगो है आर्कि प्लेगो का मतलब होता है कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं स्केटर्ड हैं ठीक है ठीके? ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आइलैंड जो हैं स्केटर्ड हैं तो उस इस एक एरिया को आर्कि प्लेगो कहा जाता है तो सोलोमन आइलैंड एक आर्कि प्लेगो है ठीक है क्लाइमेट यहाँ का कैसा होगा भाई यहाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये बहुत ट्रॉपिकल इक्वेटर के बहुत पास है तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है हॉट एंड ह्यूमिड रहता है कोल्ड विंड चलती है लेकिन यहाँ पे तो उससे वहाँ पे रिलीफ चलता है तो कभी घूमने जाइएगा सोलोम अच्छी जगह है मैं नहीं गया हूँ बट आई होप इट विल बी मतलब ये जितनी भी ओशन में जितनी छोटी छोटी कंट्री होती है बड़ी सुंदर होती हैं देन सेकेंड इज़ इथोपिया इथोपिया का मैप देख लेते हैं ठीक है ये आपका रेड सी है ठीक है ये यमन है इधर और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ठीक है अब इथोपिया जो है इट इज़ अ लैंड लॉकड कंट्री लैंड लॉकड कंट्री मतलब ये चारों ओर से हर कंट्री से किसी ना किसी कंट्री से घिरी हुई है इसका कहीं भी बॉर्डर जो है में जाकर नहीं खुलता तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये सोमालिया है फिर यहाँ पे बीच में जिजु, जिबूती है ना जो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जिबूती है फिर एरिट्रिया है यहाँ ऊपर सूडान है साउथ सूडान है केनिया है दीज आर दी कंट्रीज विच सराउंड इथोपिया ठीक है और ब्लू लाइन जो है यहाँ की बहुत एक मेजर रिवर है ठीक है क्लाइमेट वेरीज़ फ्रॉम हाई लैंड टू लो लैंड ठीक है हाईलैंड से लो लैंड में आपको सी बात है आप जाएंगे तो ऊपर से नीचे तो क्लाइमेट वेरी हो गई और ब्लू लाइन यहाँ की बहुत ही मेजर रिवर है तो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी शैल सी यू टूमोरो एंड टेक केयर कीप स्माइलिंग की फैल बाय बाय